धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर नसीम अंसारी उर्फ मेजर के नाम से शहर के व्यवसायियों को निशाना बनाने और चिट्ठी वायरल की घटना के मामले में पुलिस ने 4 गुंडों को गिरफ्तार किया है, जिससे शहर में रंगदारी के मामले में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में नसीम अंसारी, विकास सिंह, राजू अंसारी के अलावा नसीम अंसारी का चाचा सद्दाम अंसारी शामिल है। इनकी तलाशी के दौरान आधा दर्जन हथियार और भारी संख्या में कारतूस एवं बम के अलावा 50,000 नगद राशि की बरामदी की गई है। देखिए इस पर क्या बताया धनबाद SSP संजीव कुमार ने। पिछले कुछ दिनों से लगातार धनबाद के व्यवसायियों को मेजर के नाम से व्हाट्सएप मैसेजेज आ रहे थे और कॉल आ रहे थे, उसमें मेजर के नाम से धमकी भी दी जा रही थी और कुछ व्यवसायियों के यहाँ गोली भी चली और बम भी चले थे, जैसा आप लोगों ने पूर्व में भी रिपोर्ट किया। हम लोग जब लगातार इन कांडों का पिछले आप कुछ दिनों में देखेंगे, जो इसमें जो कुछ शामिल अपराधकर्मी थे उनमें से कईयों को गिरफ्तार किया था, लेकिन ये मेजर नाम का बंदा जो है, ये जिस जो छदम नाम मेजर था, इस बंदे तक हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन लगातार हमारा अनुसंधान जारी था और हमारी टीम जो लगातार इसमें जो शामिल लोग हैं उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, और उसमें अनुसंधान के क्रम में कई लोगों से पूछताछ भी किया गया, कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। जैसे आप लोगों ने देखा, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, हर एक कांड में हम लोग जो उसमें शामिल कुछ अपराधकर्मी थे, उस अपराधकर्मी तक पहुंच गए थे। लेकिन फर्दर अनुसंधान में जब हम लोग पता चला, तो एक पूरी टीम बनी हमारी, जिसमें हमारे जो दोनों SP साहब के नेतृत्व में और हमारे DSP अमर और अरविंद के नेतृत्व में, इसमें जो हमारे कुछ अफसर इंचार्ज थे, करीब 7 थाना के थाना प्रभारी इसमें शामिल थे, 4 हमारे इंस्पेक्टर्स और 3 सब इंस्पेक्टर्स, सब लोगों ने मिलकर के इसमें जब फर्दर अनुसंधान किया, तब हम लोगों को पता चला कि नहीं, एक बंदा जो है वो वेस्ट बंगाल में रह रहा है और वहाँ से सारी कार्रवाई की जा रही है। और फर्दर अनुसंधान में भी पता चला कि उसने अपना छदम नाम बना रखा है और एक फर्जी नाम से वो वेस्ट बंगाल में रह रहा है। तो इसी अनुसंधान के क्रम में फिर एक और इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इसके हथियार का जो मेन सप्लायर था, जहाँ से हथियार आता था इन घटनाओं के लिए, उस वहाँ तक भी हम लोग नहीं पहुँच पाए। लकली इन दोनों व्यक्ति जो शामिल थे, जो मेजर के छदम नाम से काम कर रहा था और दूसरा जो हथियार का मुख्य सप्लायर था, वहाँ तक हम लोग अनुसंधान के क्रम में पहुँचे, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जो अभी क्योंकि इनके अन्य साथी भी पकड़े गए हैं साथ में, अन्य 3 जो इनके साथ में जो काम करते थे वो भी पकड़े गए हैं। इनके मोबाइल से भी पता चला कि मेजर जो नसीम अंसारी है जो पकड़ा गया है, नसीम अंसारी ये छदम नाम रजी अहमद के नाम से ये वेस्ट बंगाल में रहता था। रजी अहमद के नाम से ओरिजिनल नाम यही है? नहीं, ओरिजिनल नाम नसीम अंसारी। ये नसीम अंसारी पूर्व का अभियुक्त रहा है, ये 2008 में ही ये एक हत्या के केस में जेल गया था जिसको सजा हुई, 8 साल के बाद ये पेरोल पे निकला फिर भाग गया। इसी धनबाद जिला से? धनबाद जिला में 8 साल 2008 में ये जेल गया था और ये इसे सजा भी हुई थी, 8 साल बाद ये जेल से निकला था पेरोल पे, फिर ये भाग गया, फिर ये फिरारी था आज के दिन। तो एक हमारा जो पूर्व का फिरारी था वो भी पकड़ा गया और खासकर वो मेजर के नाम से ही काम कर रहा था और ये लगातार प्रिंस खान के संपर्क में था, लगातार हर दिन से इसका जो फोन कॉल है ये उससे इस संपर्क में था, वीडियो कॉल से ही बात होती थी। और ये सारा जितना भी घटनाएं यहाँ कारित हुई हैं, कई में ये खुद शामिल रहा है। अभी जब हम लोगों ने सारे इसके अपराध कर्मियों को पकड़ लिया और जब इसके पास आदमी नहीं था, तो ये खुद शामिल होकर के काम कर रहा।
उन्होंने प्रिंस खान को भी बहुत जल्दी पुलिस गिरफ्त में होने की उम्मीद जताई है। तो बनाता था वो इसी ड्राफ्ट यही तैयार हैंडराइटिंग जो वगैरह रहती, लेकिन ये मेजर क्योंकि इसके पूर्व में भी हम लोगों ने एक को पकड़ा था, तो मेजर वो भी सो कॉल्ड मेजर था, तो ये दूसरा मेजर पकड़ा गया है, इसीलिए ये मेजर भी एक छदम था। और लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये हम आपको सब कुछ बता देते हैं, इसी नाम से लोग इसको जान रहे थे और इसी नाम से ये कांड कर रहा था। इसमें अन्य जो लोग हैं, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम लोग को ये भी पता चला जो व्यापारियों का जो फ़ोन नंबर इकट्ठा करता, एक बंदा वो भी पकड़ा गया है जो व्यापारियों का फ़ोन नंबर इकट्ठा करके इस तक पहुँचाता था, ये उसका एक ड्राफ्ट बना करके वापस वहाँ प्रिंस तक भेजता था, फिर वहाँ से वो मैसेज जो है व्यापारियों तक पहुँचता। ये टोटल रूट था जिसमें रूट्स के जो कुछ लोग जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। टोटल जो आप वेपन देखेंगे तो 6 अच्छे हथियार हम लोग बरामद हुए हैं, 5 ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं इसमें और बहुत ही अच्छा पिस्टल है, मतलब इसमें करीब 56 गोलियां बरामद की गई हैं। एक मॉडम बरामद किया गया है, जिस मॉडम के क्योंकि सारा काम ये इंटरनेट के थ्रू कर देते हैं, वो मॉडम बरामद किया गया है, मोबाइल्स बरामद किए हैं और 50,000 रुपये जो इन लोगों ने कुछ किसी व्यापारी से किया था तो वो 50,000 रुपये बरामद किए गए। बाकी इनका जो नेटवर्क के अन्य छोटे छोटे लोग थे वो भी लगातार हम लोगों के अनुसंधान में हम लोगों ने उनको रखा है और कुछ वाइट कॉलर लोगों से भी इनको सहायता मिल रही थी, जो खासकर कुछ नंबर्स हैं या कुछ ऐसे लोगों से भी इनको सहायता मिल रही थी जो सो कॉल्ड अपने आप को फर्जी पत्रकार बता करके चीज़ों को वायरल करने का प्रयास करते हैं, तो वैसे लोगों से भी, वो सभी लोग का नाम इन लोगों ने बताया, हम लोग सबके विरुद्ध अनुसंधान कर रहे हैं और जिनके विरुद्ध भी जो एविडेंस आएगा उसके अनुसार हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जो टोटल अपराधकर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं वो 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं, नसीम अंसारी ये अब वर्तमान में नया मोहल्ला आसनसोल पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, एक्चुअली में ये रहने वाला छाताबाद कतरा से है। दूसरा जी दूसरा है वर्तमान पता है इसका रेल पार नया मोहल्ला आसनसोल। दूसरा सद्दाम अंसारी है जो इसी का भतीजा, इसका बहनो इसका रिलेटिव है, ये इसके साथ सारा इसका सारा काम देखता था, ये तो मुख्य बंदा नसीम था, इसके साथ सद्दाम काम करता था ये, लेकिन ये गिरिडीह बिरनी गिरिडीह का रहने वाला है। तीसरा है राजू अंसारी, राजू सारा फ़ोन नंबर्स वगैरह ये चारों तरफ से फोन नंबर्स लाता था, नसीम को देता था। राजू अंसारी ये सिजुआ जोगता का है। और चौथा विकास सिंह है जो सारे आर्म्स का सप्लायर, सारा आर्म्स को लाना बाहर से मुंगेर से या जो भी जुगाड़ कर अलग अलग जगहों से जुगाड़ करना, जुगाड़ करके रखना, नसीम तक उस आर्म्स को पहुँचाना, नसीम अपने बंदों से या विकास कभी कभी अपने किसी बंदे से उस आर्म्स को नसीम तक पहुँचाता। टोटल 6 आर्म्स इसमें बरामद हुए हैं, इसमें 5 ऑटोमेटिक पिस्टल हैं, 1 कट्टा है हमारा, 56 गोलियां हैं टोटल। इन लोगों के पास जो बम फेंकते हैं जो वो बम भी बरामद हुआ है, 2 बम बरामद हुआ है, 3 मोबाइल है, जियो कंपनी का राउटर है, 50,000 रुपये नगद है और एक काले रंग की मोटरसाइकिल जो मुख्यतः जो क्राइम्स में यूज़ किए गए हैं, कई क्राइम्स में यूज़ किए गए हम लोग उसको मिला कर रहे हैं, एक काले रंग का मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। नसीम अंसारी ने अपना नाम जो चेंज कर लिया था तो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी चालक लाइसेंस ये सब कुछ उसने बना लिया था अपने नए नाम से, तो वो सारा कुछ उसका फर्जी सारे कार्ड्स बरामद किए गए। कुलटी से वसीम खान की रिपोर्ट।